हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नए तरह की अम्ब्रेला कट स्कर्ट सिखाऊंगी, जिसका मेजरमेंट है हमारा, वेस्ट हमारी है 34 और लेंथ हमारी है 43। 34 का हम फोर्थ भाग लेंगे और लेंथ में हम 2+ करेंगे। तो आइए हम आपको बता देते हैं, मैं आपको सेंटीमीटर में बताऊंगी। पहले वो हम अपना पेपर फोल्ड कर लेंगे, तिकोना। ये मैंने 1 पीस में किया है। जब हम फैब्रिक में लेंगे तो हम फैब्रिक में 4 पीस में लेंगे। अब हम यहाँ पे अपना फोर्थ भाग रखेंगे। फोर्थ भाग हमारा है 8.5, तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। इधर से लेंगे, ये हमारा 8.5 है। ऊपर से यहाँ कोने से और ये देख लेंगे यहाँ पे कितना है। ये हमारा है 11 इंच। ये बीच में भी हम इसी तरह 11 इंच ये है, और यहाँ कोने पे भी ये हमारा 11 इंच है। अब हम इसकी गुलाई कर देंगे। लेंथ हम अपनी जो स्कर्ट की है, ऊपर की, ऊपर का जो हम हिस्सा बना रहे हैं अम्ब्रेला कट, उसमें हम लेंथ केवल 8 इंच की रखेंगे और 1 इंच हम प्लस कर देंगे, यानी कि 9 इंच। अब हम इसको इस तरह घुमा के 9 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। इसको बीच में ले आएंगे हम 9 इंच, ये 9 इंच, अब इसको भी हम गोलाई में कट कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमने स्कर्ट का एक ये छोटा पीस बनाया है, ये हमारा वेस्ट से और हिप तक है केवल। अब जो हम इसमें नीचे इसकी लेंथ बढ़ाएंगे, उसकी लेंथ के लिए हम एक सिंपल फैब्रिक लेंगे अपनी लेंथ के अनुसार। मैं आपको एक मिनट बता देती हूँ पेपर पे। पहले जैसे कि हमारा प्लेन फैब्रिक है, इसमें हमने कोई कट नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया है। इसमें हम यहाँ पे इस तरह इसमें गैदर्स देंगे, इस तरह। इस तरह गैदर्स देके फिर हम इसमें स्कर्ट में इसको जोड़ देंगे। तो उससे हमारी जो नीचे के घेर है वो तो काफ़ी खुले खुले और सुंदर बनेंगे, और जो ऊपर की हमारी ये है अम्ब्रेला कट जो हमने कट किया है, उससे हमारी जो है फिटिंग अच्छी आएगी। तो मैं आपको आज इस तरह की स्कर्ट बनाना बताऊंगी। अब मैं आपको अपना फैब्रिक पे बता देती हूँ। ये मेरी शिफॉन की साड़ी है। मैं आज जो स्कर्ट सिखाऊंगी आपको, वो मैं इसमें से बनाना सिखाऊंगी। और ये मेरा अस्तर है। सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग कर लेंगे। कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे। इसका हम तिकोना बना लेंगे।
ये हमने फैब्रिक लिया है, ये हमारा फैब्रिक 1 मीटर के करीब है, जिसमें से हम अम्ब्रेला कट जो हमने कट लगाया है वो निकालेंगे। यहाँ पे हम 9 इंच रखेंगे क्योंकि 1/2 इंच हम इसमें सिलाई कर रखेंगे। ये हमने यहाँ से 9 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम ऊपर से चेक कर लेंगे हमारा कितना है। ये हमारा 11 इंच पे है। इसको इस इंची टेप को इस तरह घुमाएंगे गोलाई के लिए। यहाँ पे हमने इसको गोल कर लिया है। अब हम यहाँ पे 9 इंच का निशान लगा लेंगे। और हाफ ये मोड़ने के लिए ये हमारा ऊपर का पीस तैयार हो गया है। ये हमारा अस्तर नीचे के पीस के लिए है। इसको हम सीधा ही कट कर लेंगे लंबाई के हिसाब से। इससे पहले हम अब साड़ी में कटिंग बता देते हैं आपको। ये मैंने साड़ी के एक कोने में इसको मैंने 4 पीस करके तह बना लिया है और तिकोना कर लिया है। इसको जो हमने अस्तर की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। जितना हमारा अस्तर है उतनी हम ये कटिंग कर लेंगे। ये हमने उतनी ही कटिंग कर ली है जितना हमारा स्तर है। अब हम इसके घेर की कटिंग करेंगे। मैंने ये नीचे के घेर के लिए साड़ी में से 3 मीटर कपड़ा निकाल लिया है। ये सीधा कपड़ा है। अब हम इसकी जितनी हमारी लेंथ है, ऊपर हमने 9 इंच का निकाला है और नीचे हम 34 इंच का निकालेंगे और 2 इंचीज में प्लस कर देंगे मोड़ने के लिए। इधर भी निशान लगा लेंगे। अभी हम सीधी पट्टी निकाल लेंगे इसमें से। ये हमने लेंथ के हिसाब से 3.5 मीटर कपड़ा ले लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये मेरा ऊपर का जो घेर है अम्ब्रेला कट जो हमने किया है उसमें पहले हम इसे डबल करके एक बीच में कट लगा लेंगे हाफ के लिए। और ये हमने अपने फैब्रिक में से कट किया है हाफ।
इसमें हमने जोड़ लगा दिया है। इस जोड़ को इस जोड़ से मिला के इस पे हम सिलाई लगा देंगे दोनों साइड गोलाई में। हमने दोनों चीज इस तरह अपना फैब्रिक दोनों टच इसमें मिला जोड़ लिया है। इधर से भी पूरा जोड़ लेंगे। ये हमने इसमें गोलाई में दोनों पीस ज्वाइंट कर लिए। अब हम नीचे से भी इसी तरह इसको ज्वाइंट करेंगे। हमने नीचे भी बीच में निशान लगा लिया है कट का, और ये भी हमारा बीच का निशान है। इसको हम इस तरह रख के इसको बिल्कुल सेट करके और इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। और अब इसको हम इस तरह लगा देंगे सिलाई। ये हमने नीचे से भी सिलाई लगा ली है और ये हमने साइड से भी सिल लिया है। इसी तरह हम इधर भी इसको सिलाई लगा के और साइड से सिल लेंगे। ये मैंने चारों तरफ साइड से सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने उसको निकाल दिया है। अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट के लिए हमने ये दोनों तरह की पट्टी ले ली है। हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। ये वाला फैब्रिक हमें नीचे की साइड रखना होगा प्रिंटेड, और ये प्लेन वाला ऊपर की साइड। अब हम इसको यहाँ से हल्का सा फोल्ड करके यहाँ से इसको लगाना शुरू कर देंगे गोलाई में। ये हमने पूरी बेल्ट लगा ली है इसमें। अभी हल्के हल्के कट लगाएंगे हैं बीच बीच में।
अब हम इसको अंदर की साइड मोड़ देंगे, इसको एक फोल्ड ऐसे करके, और यहाँ पे पूरा इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। ये मैंने पट्टी अंदर मोड़ दी है, ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली थी चौड़ाई में, और लेंथ हमने इसकी फुल रखी है। अब हम इसमें घेर लगा देंगे, उसके बाद हम इसमें चैन लगाएंगे। ये हमारे घेर का फैब्रिक है, ये हमने चौड़ाई में से सुई से हमें प्लेट देने के लिए इस तरह बारीक बारीक कच्चा करना है। जितने भी हमारे घेर हैं सब में हमें इसी तरह एक ही धागे से करना है, ताकि हम इसको इस धागे को खींचेंगे तो ये इस तरह की हमारी प्लेट्स आ जाएं। तो हम इसको पहले पूरे में कच्चा कर लेते हैं। ये मैंने कच्चे धागे से इसमें टांके लगा लिए हैं, इस तरह हम इसमें इसको खींच के अपनी प्लेट बना लेंगे। अब हम इसमें अस्तर, ये हमारा अस्तर है, अस्तर हमने इसमें उतना ही लिया है, ये हमारी चौड़ाई है अस्तर की। ये जो हमारे स्कर्ट के ऊपर के घेर हैं, ये हमने अस्तर इतना ही लिया है। आप अगर चाहें ज्यादा घेर वाला अस्तर चाहें तो इसमें ज्यादा घेर का भी लगा सकते हैं। साड़ी जितना हमने 3 मीटर लिया है तो आप अस्तर 3 मीटर भी लगा सकते हैं। मैं इसमें अस्तर केवल इतना ही लगा रही हूँ जितना कि हमारा ये घेर है। अब हम इसको इस तरह रखेंगे अस्तर के फैब्रिक को, और जो ये हमने यहाँ पे इसको सीधा रख के इस पे हम एक सिलाई लगा देंगे, इस तरह इस पे रख के इसको, और इसमें सिल देंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारे घेर कितने हैं। यहाँ से हम इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे, घेर हम सेट करते जाएंगे। इस तरह हम अपनी प्लेट सेट करेंगे और हम इस तरह हम इसके अस्तर के साथ इसको जोड़ते चले जाएंगे। इसी तरह हम इसको पूरा कर लेंगे। ये अस्तर में सारी हमने प्लेट्स जोड़ ली अपनी, तो हम जो हमने ये ऊपर वाला पोर्शन तैयार किया है इसमें इसको ज्वाइंट कर देंगे।
हमें सारे घेर इसमें अपने जो ऊपर वाला हमने तैयार किया है मेरा लकट, उसमें सारे घेर हम जोड़ लेंगे। ये हमने गैदर्स इसमें जोड़ लिए हैं। अब हम यहाँ पे चेन लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें हल्की सी इलास्टिक भी डाल सकते हैं। ये हमारी चेन है, हमने लंबी चेन ली है। हम यहाँ से इस तरह मोड़ के इसको पीस को तब हम इसमें चेन लगाएंगे। ऊपर से जितनी हमने ये मोड़ा है ऊपर से उतना हम इसको छोड़ देंगे। ये हमने इस तरफ एक तरफ चेन लगा ली है, थोड़ी हमने छोड़ दी है, इसी तरह हम दूसरी भी लगा लेंगे। इस तरह मोड़ेंगे इसको। और बिल्कुल जैसे उधर लगाइए सीधे तरीके से उसी तरह इधर भी लगा लेंगे। ये हमने इसमें चेन लगा ली है एक साइड। अब हम ये जो हमने यहाँ पे पीस डाली थी यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। हमने ये बाहर की साइड एक एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको अंदर से जॉइंट कर देंगे। इसको उल्टा किया हमने और हम फैब्रिक पहले नीचे वाले में जॉइंट लगाएंगे, बाद में ऊपर वाले में।
ये हमने जहां तक चैन लगी है वहां तक सिलाई लगा ली है। और ये अस्तर भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे अस्तर में। ये साइड से हमने दोनों पीस सिल लिए हैं अलग अलग, ये अलग है ये अलग है। अब हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे दोनों पीस को और यहाँ पे एक हुक लगा लेंगे और मेरी स्कर्ट रेडी है।